नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक नया एआई बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, जो कि आपकी क्वेरीज के आंसर्स देता है। इस पे आप कुछ भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हो और उससे आपको सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी जो है वो थोड़े ही टाइम में बहुत ही पॉपुलर हुआ है, ठीक है। इवन दो इसके तो कंपैरिजन भी आने लग गए कि क्या ये गूगल को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों, चैट जीपीटी जो है वो आपका फ्री में भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्लस चैट जीपीटी प्लस करके इनका एक और सर्विस है जो कि पेड है, उसका आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो रिसेंटली दोस्तों, चैट जीपीटी का जो है वो जो डाटा है वो लीक आउट हुआ है और चैट जीपीटी के जो सर्वर्स हैं उस पर डाटा ब्रीच हुआ है। अराउंड 1 मिलियन कस्टमर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं इसके, उसका जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चैट जीपीटी है आपका, ये ओपन एआई का एक कंपनी है, उसका एक टूल है जो कि एक डॉकर्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी डॉकर्स, उस पर काम करता है। इसमें क्या होता है, डॉकर्स के अंदर जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपके जो इंस्टेंस हैं, जो सर्वर्स का रिस्पॉन्स है या सर्वर्स के जो इंस्टेंसेज हैं, वो बढ़ जाते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेनली जो चैट जीपीटी है वो ओपन सोर्स एक टूल पे बेस्ड है। एक्चुअली जो बग इनमें मिला था वो रेडिस के अंदर मिला था। रेडिस की जो ओपन सोर्स की जो लाइब्रेरीज हैं वो इन्होंने यूज की थी और उसके अंदर एक बग फाउंड हुआ था जिसके थ्रू इसको कॉम्प्रोमाइज किया गया और इनके डाटा को लीक किया गया। जो वर्नेबिलिटी एक्सप्लोइट की गई थी वो थी CVE-2023-28432, जो कि डॉकर्स के अंदर जो रेडिस इंस्टॉल्ड होता है उसके अंदर जो कॉम्प्रोमाइज किया गया और सारा का सारा डाटा लीक किया गया। दोस्तों, क्या इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जो भी सब्सक्राइबर्स थे उनकी, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, पेमेंट एड्रेस, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट, जबकि जो क्रेडिट कार्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो केवल लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं केवल वही एक्सपोज हुए हैं। दोस्तों, ये जो डाटा लीक हुआ है ये मार्च 20 को हुआ था, जिसके अंदर मार्च 20 को जितने भी अकाउंट्स थे या उस पर्टिकुलर 9 आवर्स के अंदर जो भी यूजर्स एक्टिव हुए थे उन सबका जो डाटा है वो लीक आउट हुआ है। इवन द 29th of March को चैट जीपीटी के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है कि उनके जो हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, लास्ट 4 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हुई है। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोई भी जो नई चीज आती है तो उसको थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए ताकि हम उसकी स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर सकें, क्या सिक्योरिटीज हैं उनकी, उसके बाद हम उस प्लेटफॉर्म को इजीली यूज कर सकते हैं विद सेफ हैंड्स। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।